हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, आप लोगों के डिमांड पर आज मैं आप सभी को पटना मेट्रो डिपो के चल रहे काम का अपडेट दिखाने वाला हूं। फिलहाल मैं बैरिया मोड़ के पास हूं और गाइस, यहां से लेकर भूतनाथ, खेमनीचक और मीठापुर तक के मेट्रो के काम का अपडेट मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। आपको ऊपर आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और गाइस, बात करूँ इधर बनाए जा रहे न्यू ISBT के पास वाले मेट्रो स्टेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मेट्रो के पिलर बनाने का काम फुल स्पीड में पूरा किया जा रहा है। बहुत सारे पिलर तो आपको तैयार भी दिख रहे होंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ न्यू ISBT से लेकर मलाई पकड़ी तक जो 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन, खेमनीचक मेट्रो स्टेशन जो कि रेड और ब्लू मेट्रो लाइन का सेकेंड इंटरचेंज होगा, इसके अलावा भूतनाथ मेट्रो स्टेशन जहाँ पर यूगरल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पर मेट्रो ट्रैक बिछाए जाएंगे, उसके बाद 0 माइल और लास्टली यहाँ न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन तक ये मेट्रो लाइन एंड हो जाएगी। और गाइस, इस प्रायोरिटी कॉरिडोर को 2024 के लास्ट तक चालू करने की बात चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पटना मेट्रो डिपो जो कि यहाँ से 50 से 100 मीटर की दूरी पर बनाया जा रहा है, उसे पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2025 की है। तो उससे ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बिना डिपो के तैयार हुए मेट्रो 2024 में शुरू हो पाएगी या नहीं। वैसे गाइस, पटना मेट्रो के डिपो को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, तो चलिए मैं आपको सीधा लोकेशन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ से आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। तो गाइज, ये रहा पटना मेट्रो डिपो के चल रहे निर्माण कार्य का अपडेट। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर ये डिपो बनाए जाने हैं। वैसे ये काम काफी पहले शुरू होना था, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों के जमीन और मकान होने के कारण ये मामला लंबे समय तक खिस्ता रहा और सरकार के द्वारा भी बिना किसी नोटिस और मुआवजा दिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया गया था, जिसके कारण मामला कोर्ट में चलता रहा। वैसे काफी हद तक इसे सॉल्व कर लिया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ सॉइल फिलिंग का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बैरिया चक के पास स्थित ये लगभग 76 एकड़ भूमि पर मेट्रो रेल डिपो बनाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर न्यू ISBT गेट नंबर 2 के ठीक सामने आपको ये काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इधर मेट्रो यार्ड बनाने के लिए बैरिकेटिंग भी की हुई है, आप देख सकते हैं। और अब तो यहाँ कई सारे काम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि यह सुविधा पटना मेट्रो रेल परियोजना का केंद्र होगा और ये दोनों प्रस्तावित कॉरिडोर यानी कॉरिडोर 1 जिसमें दानापुर से खेमनीचक और कॉरिडोर 2 जिसमें पटना स्टेशन से न्यू ISBT को यहाँ से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। और गाइस, बात करूँ इस डिपो की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक बनाई जा रही है। इस डिपो यार्ड में मेट्रो के लिए पार्किंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की तो सुविधा होगी ही, साथ ही वॉशिंग प्लांट, स्क्रैप यार्ड, कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग स्कूल, कैंटीन और भी कई सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा डिपो की इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए एक सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और गाइज, आप देख सकते हैं सामने न्यू ISBT स्टैंड से लेकर इधर चारों तरफ सॉइल फिलिंग का काम कर दिया गया है और सामने कुछ मकाने भी हैं जिन्हें शायद तोड़ा जाना है। और गाइज, मिट्टी भरने का काम तो यहाँ लगभग पूरा ही हो चुका है और अब तो कास्टिंग यार्ड में बैचिंग प्लांट का काम भी शुरू कर दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पर पाइलिंग का काम किया जा रहा है, यहाँ अभी 2 रिग मशीनों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइस, बात करूँ इस प्रोजेक्ट की, तो इसे सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा रही है। और गाइस, इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो गाइस, चलिए अब मैं आपको इस पटना मेट्रो डिपो के लिए कितनी ज़मीन एक्वायर की गई है उसे दिखा देता हूँ। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इस डिपो में 2 वर्कशॉप और 2 इंस्पेक्शन वे, 8 स्टेबलिंग लाइन होंगी जो 3 कोच वाली 32 ट्रेन और ऑटो कोच की धुलाई कर सकेगी। और गाइस, यहाँ जो 2-4 मकाने आप देख रहे हैं इन्हें भी तोड़ा जाना है। तो गाइस, यहाँ काम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। वैसे आप देख सकते हैं ये जो ज़मीन है वो आगे वहाँ तक फैली हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइस, यहाँ ये रहा बैचिंग प्लांट जहाँ कुछ काम होता है वो आपको दिख रहा होगा। तो गाइस, पटना मेट्रो डिपो का काम तो यहाँ स्टार्ट हो चुका है, अब देखना ये है कि इसे कितनी जल्दी तैयार किया जाता है, क्योंकि इसकी अगर डेडलाइन की मैं बात करूं तो उसे मार्च 2025 तक रखा गया है। तो पटना मेट्रो जिसकी शुरुआत मलाई पकड़ी से लेकर न्यू ISBT तक की जानी है, वो तो फिर इसके बनने के बाद ही शुरू हो पाएगी।
तो खैर गाइस, अब पटना मेट्रो 2024 में शुरू हो या 2025 में, इतना तो मुझे कंफर्म लगता है कि बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले तो पक्का इसे शुरू कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए ये था बैरिया न्यू ISBT के पास बन रहे पटना मेट्रो डिपो का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। 5000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।